perfect continuous. Yes, you are written. Okay. Now, it has what I was saying, that it has both the features. Features of past perfect and features of past continuous. So, past perfect ka feature kya hota hai? Had plus had. Had is used in perfect. Aur continuous ka feature kya hai? ing is used in that. ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको क्या होगा, हैड भी यूज करना होगा, आई एन जी भी यूज करना होगा. ओके, और मेन थिंग क्या है, इट हैज इट वी शुड हैव टू गिव सम टाइम सेगमेंट देना होगा. ओके, लाइक समथिंग इज आई वॉज और आई हैड बीन डूइंग, आई हैड बीन लिविंग इन दिलशाद गार्डन फॉर लास्ट, कितने सालों से रह रहे थे, for last 10 years. Okay, right, I had been living here, कर लो, हाँ, I had been living here for last 10 years. Then I had been living. Had been, B-double-E-N, been. I had been living, L-I-V-I-N-G, living. I had been living here for last 10 years. Ma'am, had been living ko underline karna hai. Yes, had been living ko underline karna hai. तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया, इसमें फॉर्मूला हैड बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, प्लीज नोट इट डाउन. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ गिव अ सेंटेंस ऑफ योर्स, अपने आप एक सेंटेंस बना. I had been shifting to Shahadra. बेटा had been का मतलब ये होता है कि हम किसी जो भी हमने काम किया वहाँ हम काफी दिनों से वो वाला काम कर रहे थे in past. Okay. हाँ, काफी दिनों से तुम अपने स्कूल का नाम बोलो. What is the name of your school? मैं भी हूँ. ऐसे कर लो, आई हैड बीन स्टडिंग और वी मी एंड माई ब्रदर, ऐसे कर लो थोड़ा चेंज करने के लिए, मी एंड माई ब्रदर हैड बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल इन सेंट जो भी है सेंट स्कूल सेंट शॉर्ट में लिख दो, शॉर्ट में उसको हैड बीन स्टडिंग, शॉर्ट में स्कूल का नाम लिख दो, जो भी नाम है एब्रीविएशन में लिख दो स्कूल का नाम.